हेलो एवरीवन, आई एम रोनाल पटले एंड हमने लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट वन देखा था जो कि पेंट्स क्या है। हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज, उसमें हम ये देखेंगे डिस्टेंपर और वॉर्निश में क्या डिफरेंसेस है और पेंट्स के कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, और हमारा सब्जेक्ट कोड है T02। तो हमने लास्ट में देखा था कि पेंट क्या है, फिर हमने फंडामेंटल पेंट्स देखे थे एंड उसके बाद में आज जो हम देख रहे हैं डिस्टेंपर क्या है। कि जो डिस्टेंपर होता है, जो हम लोग घर में इंटीरियर वॉल में या फिर आउटर वॉल में जो अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ डिस्टेंपर। ओके, डिस्टेंपर पॉइंट इज एन द एंशियंट टाइप ऑफ द पेंट मेड अप ऑफ वाटर, चॉक एंड पिगमेंट। इट इज़ बाउंड विथ आइदर एनिमल ग्लू और द अधेसिव क्वालिटी ऑफ कैशियस और राइज दैट कम्स फ्रॉम द सॉलिडिफाइड मिल्क। ठीक है, ये क्या है, एंशियंट टाइप का पेंट है जो कि तीन चीज़ों से बनता है, वाटर से, चौक से और पिगमेंट से। वाटर क्या करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, चौक क्या करेगा, उसको बल्कनेस प्रोवाइड करेगा, और पिगमेंट क्या करेगा, उसको कलर देगा। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अप्लाइंग द डिस्टेंपर टू द प्लास्टर सर्फेस इज टू क्रिएट अ स्मूथ सर्फेस। ऑब्वियसली आफ्टर प्लास्टरिंग क्या होता है, रफनेस रह जाता है, अब उसको स्मूथ बनाना है मुझे और घर को डेकोरेट भी करना है, तो मैं क्या करती हूँ, डिस्टेंपर घर पे ला के हम लोग जो दिवाली में यूज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है, स्मूथ सर्फेस भी प्रोवाइड होता है। डिस्टेंपर आर अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म में भी होता है और पेस्ट फॉर्म में भी होता है। ठीक है, दे आर टू बी मिक्सड विद अ हॉट वाटर बिफोर यूज़, दैट इज डिस्टेंपर। ठीक है, इसके बाद में डिस्टेंपर के बाद में अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं डिस्टेंपर या फिर पेंट्स में। क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, उस हम डिफेक्ट्स में डिस्टेंपर के कुछ कैरियर्स देख लेते हैं, फिर हम डिफेक्ट्स देखेंगे। तो पहला है बेस चॉक, जो मैंने बताया, वाटर जो कि कैरियर का काम करता है, और कलर पिगमेंट जो कि कलर देता है। डिफेक्ट्स में देखो, फर्स्ट है फेडिंग। फेडिंग मतलब क्या होता है, देखो कुछ कुछ कलर ऐसे होते हैं, ये फिगर में आपको दिख रहा है, क्या होता है, लॉस ऑफ कलर के वजह से या फिर ज़्यादा इवोपरेट होने की वजह से या फिर ज़्यादा पानी डालने की वजह से क्या होता है, कलर क्या होता है, फैट हो जाता है ना कुछ कुछ। देखो, ग्रेजुअल लॉस ऑफ द कलर इज नोन एज अ फेडिंग एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ऑब्वियसली आप जैसे गर्मियों में कपड़े सुखाते हो तो देखते हो, कभी कभी जब बहुत गर्मी होती है तो वो कपड़े का कलर उड़ जाता है, क्यों होता है, दैट इज नोन एज अ फेडिंग, मतलब कलर का उड़ जाना। ठीक है, सेकेंड हम देख रहे हैं फ्लैकिंग और पीलिंग। फ्लैकिंग और पीलिंग, देखो आपको ये फिगर दिख रहा है ना, ये किसके वजह से होता है, पुअर अधेसिव के वजह से होता है। पुअर अधेसिव की वजह से क्या होता है, पीलिंग होता है, मतलब क्या होता है, फपड़ियाँ निकलती हैं, जैसे फ्रूट्स के हम छिलके निकालते हैं वैसे फपड़ियाँ निकलती है। क्या होता है अधेसिव, मतलब क्या होता है, वो जो पेंट है बराबर चिपक नहीं पाता है उस वॉल के ऊपर या फिर प्लास्टर के ऊपर, इस वजह से क्या होता है, ड्राइनेस फॉर्म होता है ना, और क्या होता है, ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, उसकी फपड़ियाँ निकलनी या क्रैक्स आने क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ब्लिस्टरिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछता है कि ब्लिस्टरिंग किसके वजह से होता है, फैडिंग किसके वजह से होता है, तो यू नो दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द वाटर वेपर विच इज़ trapped behind the paint surface and occur due to the imperfect seasoning of timber. Okay, timber बोलो या फिर आप surface बोलो, मतलब क्या हो रहा है, देखो water vapor है, water vapor की वजह से क्या हो रहा है, water है, water का क्या हुआ, evaporation हुआ, मतलब वहाँ पर एक gas form हो गई। Obvious है, कपड़ों में भी अगर हवा जाती है तो कपड़े उड़ते हैं कि नहीं, वैसे ही क्या होता है, गैस फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे voids बन जाएंगे। Voids बन जाएंगे मतलब क्या होगा कि वो पेंट अपने वॉल से अपना जो जोड़ है उसको छोड़ेगा, मतलब क्या है, इस टाइप का क्या होगा, ब्लिस्टरिंग हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब उसका बराबर सीजनिंग ना होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, ब्लिस्टरिंग आ जाता है। उसके बाद में होता है ब्लूम। ब्लूम भी क्या होता है, सेम जैसे कि डलनेस आता है, वैसे ही क्या होता है, कुछ ऐसे पैचेस होते हैं जिसमें डल फॉर्मनेस होता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ऑफ अ डल पैचेस ऑन द फिनिश्ड सरफेस ड्यू टू द बैड वेंटिलेशन और डिफेक्ट्स। ठीक है, बैड वेंटिलेशन या फिर ये सब वजह से क्या होता है, ब्लूमिनेस, मतलब डल पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है रनिंग। रनिंग क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, द मेन रन बैक एंड द लीव्स सम एरिया ऑफ द सरफेस अनकवर्ड, इट ऑकर वेन द सरफेस और द पेंट इज टू थीक पेंटेड। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर पेंट बहुत थीक है तो वो सच में क्या, जो पेंटिंग करता है ना वो इस चीज़ को समझ सकता है, जब पेंट बहुत ठीक होता है ना तो वो कैनवास के जो पेपर है उसको कवर नहीं कर पाता बराबर। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो ठीक है, जब हम थिनर ऐड करते हैं उसमें तब जाके स्मूथनेस आती है।
ठीक है, इसीलिए वो जो इफेक्ट होता है जो पूरा कवर नहीं कर पाता, वॉइड्स नहीं भर पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं। एक होता है व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग क्या होता है, देखो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो क्या होता है, श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। व्रिंकल होता है मतलब मैंने पेंट किया फिर वो ऐसा श्रिंक होकर व्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सर्फेस इज टू थीकली पेंटेड, देन द व्रिंकल्स विल बी ऑकर। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ग्राइनिंग। ग्राइनिंग में क्या होता है, देखो इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब क्या होगा, आपने पेंट कर दिया है लेकिन आपको पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, प्लास्टर का वर्क दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ईंट दिख रही है, ब्रिक्स दिख रही है ना। तो क्या होता है, जो फाइनल कोटिंग अगर हमने इनसफिशियंटली किया, मतलब क्योंकि हमको पेंट की कितनी कोटिंग करनी होती है, 3 से 4 कोटिंग करनी होती है, अगर हमने वो कोटिंग नहीं की, 1 और 2 में ही दे दिया और फाइनल कोटिंग बराबर नहीं की, तो हमें बैकग्राउंड इफेक्ट दिखता है, दैट इज नोन एज अ ग्राइनिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज अ ग्राइनिंग। अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज इफ्लोरेंस एंड द ब्रश मार्क। ब्रश मार्क ये ह्यूमन एरर के वजह से होता है, समझ में आ रहा है, अगर मैंने ब्रश अच्छे से यूज़ नहीं किया, बराबर उसको पेंट नहीं किया, इसीलिए आजकल पता है वो रोलर ब्रश यूज़ हो रहा है, पता है वो रोलर से ही करते हैं, उससे क्या होता है ब्रश का इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू अंडर द थीनिंग ऑफ अ पेंट एंड ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ द ब्रश। और जो इफ्लोरेंस आता है दैट इज़ क्या होता है, पाउडर डिपॉजिट होता है वो सरफेस के ऊपर, ड्यू टू क्योंकि जो हम उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर डिस्टेंपर में जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्ट है। सॉल्ट जब इवोपरेट होगा तो ऑब्वियस है उसमें वाइट, वो अपना सॉल्ट नीचे इवोपरेट होगा, पानी तो इवोपरेट हो जाएगा लेकिन सॉल्ट तो रह जाएगा, इसीलिए क्या होता है वाइटनेस, वहाँ पर पैचेस भी फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इफ्लोरेंस, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में अभी क्या क्या देखा, हमने डिस्टेंपर देखा और डिस्टेंपर के बाद में हमने देखा कि कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं किसमें, पेंट्स में, ठीक है। जो अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं ये वार्निश देख रहे हैं। सबसे पहले हमने पेंट देखा था, पेंट के हमने 2 टाइप देखा, एक डिस्टेंपर देखा, एक वार्निश देख रहे हैं। डिस्टेंपर क्या था, कलरफुल पिगमेंट है, लेकिन वार्निश जो होता है वो कलरलेस होता है। हम ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करने के लिए, जिससे इंसेक्ट्स नहीं, जैसे कि हमने अगर फर्नीचर की बात की है तो फर्नीचर के ऊपर अगर मैंने ये वार्निश लगा दिया ना तो उसका इफेक्ट तो रहेगा, मतलब बैकग्राउंड वो दिखता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, वाइट एंट वगैरह से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो क्या बोला है, वार्निश क्या है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है जो कि सब्सटेंस इन लिंसेड ऑयल और टर्पेंटाइन इन अल्कोहल इज नोन एज अ वार्निश, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस कोलाइडल डिस्पर्शन सॉल्यूशन ऑफ अ नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन ऑयल और थीनर और द बोथ। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव कोट ऑफ अ सरफेस, सुटेबल सरफेस, एंड इट ड्राइज अप by evaporation, oxidation, polymerization, and its constitute leaving behind a hard, transparent, glossy, durable film. समझ में आया, obviously transparent है, कोई transparent चीज़ अगर पॉलिथीन अगर आप कहीं चिपकाते हो तो ग्लॉसीनेस आता है कि नहीं आता, द सेम थिंग हैपन विद द वार्निश। इतना समझ में आया। और ये कैसा है, नो कलर है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट पूरा वो टॉपिक किया है कि पेंट क्या है, डिस्टेंबर क्या है और क्या है, वार्निश क्या है, और हमने क्या किया है इसमें ये भी देखा है कि पेंट के कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। थैंक यू।